my dear students, myself, Mr. Hemu Singh, today I will show you some activities. Three activities from section A and three activities from section B. These activities are related for your board exam. So let's come to the first activity from section A. There is two major resistance voltage AC/DC, current AC, and check the continuity of a given circuit using a multimeter. तो सबसे पहले मल्टीमीटर क्या चीज़ है? देखो, ये मल्टीमीटर एक डिवाइस है. इस डिवाइस के थ्रू से हमने वोल्टेज भी, करंट भी, और डायोड भी, और रेजिस्टेंस भी हम नाप सकते हैं. वी कैन मेजर इन डिफरेंट वेज. बट इसके अंदर में अलग अलग सेक्टर्स हैं. सपोज ये सेक्टर है, दिस इज फॉर एसी वोल्टेज, दिस इज फॉर करंट, दिस इज फॉर ट्रांजिस्टर, स्क्वायर वेव, डायोड. ये वाला सेक्शन किसके लिए है, किसके लिए यूज़ किया? ओम्स का सिंबल आ गया, रेजिस्टेंस नाम पे गया. और ये वाला सेक्शन किसका? आपको डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा. एसी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, इट इज़ वेरी डेंजरस टू ऑल ऑल्सो, तो आप उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस डीसी के बारे में समझोगे. तो ये वाला जो पॉइंटर्स है, पॉइंट्स, ये नॉब्स, ये बटन, आपका ये वी ओम्स मिली एम्पियर जो लिखा है उसमें से आपको रेड वाला बटन को इसको इंसर्ट करना है, और दूसरा वाला जो नेगेटिव वाला इस कॉमन में इंसर्ट करने. इंसर्ट करने के बाद हम सबसे पहले इस ड्राई सेल का वोल्टेज मेजर करेंगे. तो सबसे पहले आप इसको पॉइंटर को आप 20 में रखोगे, देन मीन्स 20 वोल्ट के अंदर में सब ये वोल्टेज अंदर में आ जाएगा, रेंज में आ गया. एक्चुअली जो नया वोल्टेज कितना होता है, 1.5 मीन्स 20 वोल्ट के अंदर में आ जाएगा. आप उसको चेक करोगे वोल्टेज कितना है, तो आप उसको यू हैव टू होल्ड दिस टू टर्मिनल्स, और ये वाला जो लाल वाला है उसको पॉजिटिव टर्मिनल्स में इसको टच करोगे, और इसको नेगेटिव में ऐसे टच करना है. टच करने के बाद देखो रीडिंग क्या कितना आ रहा है, 1.64 वोल्टेज आ गए. सिमिलरली आप दूसरा सेल का भी चेक करो, देखो टर्मिनल कैसे टच किया, देखो यू सी हाउ टू होल्ड, और इसको टच कर कितना आ गई, 1.05. इसी तरह से ये ड्राई सेल का है, एक PP3 बैटरी भी, उसको भी चेक कर सकता है. पॉजिटिव टर्मिनल को टच करो और नेगेटिव को, तो लगभग कितना आ गई, 0.57 वोल्ट आ गई. तो बहुत कम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं. तो वी मेजर द डीसी वोल्टेज. नाउ लेट्स मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर का. तो आप उसको अभी जो हमने शो भी किया उसको सबसे नीचे लोएस्ट रेंज दैट इज 200 ओम से लेके आओगे. तो 200 ओम से इसका कोई पोलरिटी नहीं है, कोई से भी टर्मिनल में टच करो. टच करने के बाद क्या आ गए, लगभग 22.2 ओम्स. तो 22.2 ओम्स के, तो कलर कोड के थ्रू से आपको रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट ये वाला भी आप उसको होल्ड करके देखो, कार्बन रेजिस्टर अभी तक कुछ रीडिंग शो नहीं किया, मीन्स इसके रेंज के अंदर भी नहीं आया. आप उसको भरा दो पॉइंटर को, फिर भी नहीं आया. 20 किलो ओम्स में रख के देखो, तो नाउ द रीडिंग स्टार्ट शोइंग, दैट इज 9.83. तो 9.83 किलो ओम्स है ये कार्बन रेजिस्टर. इसी तरह से हमने डीसी वोल्टेज और कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू भी नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर. Here is the second activity from section A, that is to assemble a household circuit comprising three bulbs, three on-off switches, a fuse and a power source. तो यहाँ पर आपने दिखाई दिया three on-off switches और three bulbs, और उसके साथ एक fuse wire है. देखो fuse wire हमेशा लाइव वायर में जो रहेगा, और उसके साथ three bulbs आपके सामने दिखाई दिया, orange, red and yellow, और three switches है, ठीक है. और उसके बाद एक वायर है, इस वायर के थ्रू से आपको लाइव वायर में और प्लग में जोड़ने के बाद ये थ्री बल्ब वो चलेगा. दिस इज द थर्ड एक्टिविटी फ्रॉम सेक्शन ए साइड. द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू स्टडी द वेरिएशन इन पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ ए वायर फॉर ए स्टेडी करंट. इस एक्सपेरिमेंट से आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा. सबसे पहले ये मीटर ब्रिज को हमने ये वाला से कॉपर स्ट्रिप्स को हटा के हमने
पोटेंशियोमीटर बनाया एक सिंगल वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। ये ए पॉइंट में बैटरी का पॉजिटिव और एक पॉइंट वोल्टमीटर का पॉजिटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव चौकी पे। देन बैटरी के नेगेटिव से प्लग की के थ्रू पॉइंट अंदर से लेकर मिली एम्पियर के पॉजिटिव से रियोस्टेट का एक डाउनवर्ड पॉइंट अपवर्ड पॉइंट से बी पॉइंट में कनेक्ट किया। तो सर्किट इज कंप्लीटेड। व्हेन यू क्लोज द की आप उसको करंट के रीडिंग शो करेगा। सपोज लेट अस फिक्स द वैल्यू ऑफ करंट। करंट का वैल्यू हमने अभी कहाँ पे फिक्स किया, लेट्स सी 100 मिली एम्पियर पे। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोस थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, आप इधर से देखो लेंथ वेरी कर रहे हैं और आपको वोल्टमीटर का रीडिंग भी चेंज होते जाएगा। तो लेंथ इंक्रीजेस देन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर आल्सो इंक्रीजेस बट करंट रिमेंस कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल वी अपॉन एल। तो के हमेशा फिक्स रहेगा, लेंथ भरेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी भरेगा। तो नाउ लेट्स सी, आपने अभी ये 10 सेंटीमीटर में रखा तो वोल्टमीटर का रीडिंग ये आ गए। फिर अगेन आप इसको भराओ, लेट्स सी 30 पे ये आ गए। फिर 30 से अगेन 50 पे करो, फिर अगेन भर गए। अगेन 70 में देखो, फिर अगेन वोल्टमीटर रीडिंग में भर गए बट करंट रिमेंस कॉन्स्टेंट। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कम टू द कंक्लूजन दैट with the increase of land potential drop also increases but potential gradient will remain constant. Here is the first activity from section B side, that is to identify a diode, an LED, a transistor, an IC, a resistor and a capacitor from a mixed collection of such items. तो सबसे पहले ये mixed collection से हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजिस्टर कौन सा है और कैपेसिटर कौन सा है, हम उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले वन बाय वन में आप लोग को ये मल्टीमीटर का यूज बता रहा हूँ क्या चीज़ है। व्हाट इज दिस, दिस इज डिवाइस इज नोन एज द मल्टीमीटर। हम उसको अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं। ये अभी ये पॉइंटर रेड लगा रखे, ये अभी ऑफ पॉइंट में, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है 1, 2, 3 और यहाँ भी बहुत सारे होल्स है। तो आपको कैसे यूज़ करना, सबसे पहले ये रेड वाला जो बटन है आप उसको वी ओम्स में रख रहे, वी ओम्स वाला इधर। जो दूसरा बटन है कहाँ पर, ये कॉमन वाला जो है इसमें रख रहे। उसके बाद आपको दो टर्मिनल्स मिलेगा, आप तो एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का मिलेगा। तो ब्लैक कलर स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड रेड कलर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो ये वाला मल्टीमीटर के थ्रू से भी डिटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम डायोड को सेलेक्ट करेंगे, ये मिक्स सेलेक्शन से ये डायोड है, हम ऑलरेडी थ्योरी में भी कर चुके हैं प्रैक्टिकल में। ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है और ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है और ये जेनर डायोड है। तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे मल्टीमीटर के थ्रू से, ये पी रीजन एन रीजन कौन सा है। तो सबसे पहले ये सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स है इधर देखो, एक सेक्टर है ये सिंबल शो करके, ये एसी वोल्टेज नापेगा और ये करंट नापेगा, ये ट्रांजिस्टर नापेगा और ये स्क्वायर वेव्स, ये डायोड नापेगा और ये वाला जो सेक्टर है ये पूरा रेजिस्टेंस को मेजर करेगा और ये डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। तो सपोज आपको डायोड मेजर करना है तो आप उस एरो को डायोड की तरफ लेके आओगे, डायोड की तरफ लेके आ रहे हैं ये वाला पॉइंटर। फिर उसके ऊपर आपको चेक करोगे, सपोज ये आपने टच किया, टच करने के बाद ये रीडिंग कुछ नहीं आया, मीन्स आपने गलत कनेक्शन किया। आप ऐसे उसको उल्टा करके देखो तो रीडिंग शो किया, देखो रीडिंग शो किया। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है पी रीजन है और एन रीजन, दैट इज ये वाला जो सिल्वर पोर्शन है ये एन रीजन है, ब्लैक वाला पी रीजन। तो अभी पी रीजन पॉजिटिव में जोड़ दिया और एन रीजन नेगेटिव में, तो नाउ इट इज इन फॉर बैस, इसके लिए शो किया। इसी तरह से आपको ये वाला भी शो कर सकते, चेक कर सकता है। तो ये भी आपको शो करके दिखाई देगा, ठीक है, उल्टा करो आप उसको दिखाई नहीं देगा, कोई रीडिंग नहीं। तो ये पी एन जंक्शन डायोड आगे,
फिर उसके बाद हमने LED अलग अलग देखो, LED लाइट इमिटिंग क्या होता, ग्रीन कलर देन ट्रांसपेरेंट कलर और ग्रीन भी है और येलो भी है, तो आप उसको चेक करोगे। ये वाला जो लेग्स है टर्मिनल्स, एक छोटा होगा एक लंबे होगा, तो शॉर्टर लेंथ स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड लॉन्गर लेंथ फॉर पॉजिटिव। तो आप उसको ऐसे टच करो, नेगेटिव पॉजिटिव उसको नहीं चल रहे, इसका मतलब कनेक्शन गलत है, आप उसको उल्टा करके चेक करो, तो नाउ इट क्लोज, आप दिखाई दिया, तो मीन्स ये लंबे वाला टांग इसको पॉजिटिव में जोड़ दिया और छोटा वाला जो टर्मिनल्स है नेगेटिव में, तो नाउ LED फॉर बैस पे काम किया। ऐसे इसी तरह से यू कैन चेक फॉर ग्रीन कलर का भी चेक कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी उल्टा करके देखो ये चल रहे, देखो ठीक है LED। देन नेक्स्ट इज ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो सिलेबस से हट गई फिर भी आप सब लोग, ट्रांजिस्टर के अंदर में 3 टर्मिनल्स है, इमिटर बेस कलेक्टर, तो ट्रांजिस्टर के अंदर में 3 टर्मिनल्स मिलेगा आपको, ये वाला ये ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो 3 टर्मिनल्स आ गए तो आपको पहचान होनी चाहिए ये ट्रांजिस्टर है। फिर नेक्स्ट ए रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, यहाँ पे देखो कलरफुल दिखाई दिया, ये कलर कोड्स है, कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स है, ठीक है, और यहाँ भी है अलग अलग टाइप्स, दिस आर कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स, आप उसका रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर के थ्रू से चेक कर सकते हैं। जब आपको रेजिस्टेंस नापना हो तो रेजिस्टेंस के सेक्टर में जाना है, फिर आप चेक करोगे रीडिंग आया, इट इज अराउंड 22.2, ठीक है, यू कैन सी दैट मीन्स ये 22.2 ओम्स के है। इसी तरह से ये वाला भी चेक कर सकते हैं कितना ओम्स का है, इसको शो नहीं किया, इसका मतलब इसके ऊपर आगे जाएगा रेंज, तो लगभग कितना आ गई, ये 9.82 दैट मीन्स 10 किलो ओम्स के आसपास है, इसी तरह से मेजर कर सकते हैं, फाइन। देन उसके बाद कैपेसिटर, तो ये लोग क्या है, दिस आर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी सेम है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, जो लंबे वाला जो लैग्स है पॉजिटिव, शॉर्ट वाला लैग है नेगेटिव। देन ये भी कैपेसिटर है, ये दोनों भी, दिस आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दोनों टर्मिनल्स सेम रहेगा, एकदम देखो ये भी है, फाइन। उसके बाद आईसी का फॉर्म क्या है, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये दिस इज द आईसी, आईसी के अंदर बहुत सारे लेग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो आपको व्हेन यू गो फॉर बीटेक एंड ऑल यू विल स्टडी इन डिटेल दिस वन, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फ्रॉम दिस मिक्स कलेक्शन आप आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर कौन सा है, LED कौन सा है, कैपेसिटर कौन सा है, डायोड कौन सा है, तो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली फ्रॉम दिस मिक्स कलेक्शन। दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी फ्रॉम सेक्शन बी साइड, द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय वेरिंग डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑन एन LDR। तो ये सर्किट है सिंपल, जो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट जो आपने प्रैक्टिकल में किया बिल्कुल वही है। दिस इज द लैब गैप, लैब गैप को रेसेंट बॉक्स में कनेक्शन किया और गैल्वेनोमीटर और राइट गैप में यहाँ पे जो यूज किया ये क्या चीज है, ये LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। और उसके बाद ए पॉइंट बैटरी की पॉजिटिव, फिर प्लग की, फिर बी पॉइंट में नेगेटिव और जो की। तो सबसे पहले आप ये वाला जो चीज है आप यहाँ पे टच करके देखो, ए पॉइंट गैल्वेनोमीटर का सुई एक तरफ हो रहा है, अगेन व्हेन यू टच एट द बी पॉइंट फिर भी अगेन एक साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। आपको लग रहा होगा ये सर्किट कनेक्शन गलत है, तो ये सर्किट कनेक्शन गलत नहीं है। इफ यू रिमूव 5000 ओम्स फ्रॉम दिस रेसेंट बॉक्स, रेसेंट बॉक्स में आपने 500 ओम्स निकाल दिया फिर भी एक तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। विद द यूज ऑफ दिस टॉर्च लाइट आप इसका जो नल पॉइंट के पोजिशन है देखो चेंज होते जा रहे, देखो आपने इधर रखा पहले तो एक साइड
when you change the position of the toes, तो आगे null point भी changes हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये LDR का मतलब intensity of light से depend क्या? With the intense change of the intensity of light, then the current flowing through also changes। ये इस activity से आपको show किया। Fine? तो आगे see। तो conclusion में क्या आ गई? That means intensity of light is directly proportional to current and current is directly proportional to inversely proportional to distance के square। तो जितना distance कम हुआ then आपका intensity बढ़ेगा, intensity बढ़ेगा तो current भी बढ़ेगा। ये है। So let's start the third activity of from section B side, that is to study the nature and size of the image formed by a convex lens using a candle and a screen। So here is the wide screen, convex lens and a candle। So we have to find out the different position of the candle as well as different size of the image formed on the screen। Here are the process। So let's start the activity by lighting this candle। अब इसको candle को माचिस से जला दो। जलाने के बाद क्या होगा? You can see the different size of images form on the screen। तो हमारा जो basic concepts है, when an object is placed at twice f, then image will be formed at twice f on the other side of the same size, real, inverted and this one। So when you move the candle towards the convex lens, see the size of the image is keep on changing। Then this candle flame screen में देखो blur हो गए। That is it forms virtual, highly magnified and erect, it cannot obtain on the screen। When you move back again this candle lamp, then the size of the image is also keep on changing, then you will find on the screen real, inverted and same size when it is placed at twice f। तो ये वाला जो नेचर है आपको अलग अलग पोजिशन के हिसाब से, then size of the image is also keep on changing। This shows that a convex lens can be formed a virtual image as well as a real image according to the different position of the object।